इंसान जिस सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है वो बस यही है, उनकी इंद्रियां उन्हें एक तरफा बोध देती हैं। तो जीवन विरोधों या विरोधाभासों का ढेर बन जाता है। इसीलिए हमेशा योग में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। देखिए, इंसान जिस सबसे बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है और जिस सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है और सभी जिस सबसे बड़े संघर्ष से जूझते नजर आते हैं, वो बस यही है। उनकी इंद्रियों से एक तरफा बोध होता है। अगर आप ये देखते हैं तो वो नहीं देख सकते, आप रोशनी देखते हैं तो अंधकार नहीं देख सकते, आप ध्वनि सुनते हैं तो मौन नहीं सुन पाते। तो जीवन विरोधों या विरोधाभासों का ढेर बन जाता है। इन विरोधाभासों से गुजरते हुए अपना रास्ता ढूंढना कितना कष्ट है, विश्वास नहीं होता, कितना भ्रम और कितना संघर्ष है। If this nearly 8 billion people, if you document what kind of suffering they are going through in 1 year or in 1 day, अगर ये लगभग 1 अरब लोग, अगर आप दस्तावेज बनाएं कि वे कैसे कष्टों से गुजर रहे हैं 1 वर्ष में या 1 दिन में, बस 1 दिन, ये अनंत काल के लिए काफी होगा। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जिंदा रहने के साधनों को जानने का साधन मान लिया है। आपको पता होना चाहिए कि रोशनी क्या है और अंधेरा क्या है अगर आप इससे गुजरना चाहते हैं। दुनिया में काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन पुरुष है कौन महिला। तो ये अंतर बहुत एक तरफा है। वैसे कई मायनों में ये मैंने कहा है, अब तो हर किसी को ये पता है, अब ये आम बात हो गई है क्योंकि मैं इस बारे में कुछ समय से बोल रहा हूं। आप यहाँ एक पुरुष या एक महिला के रूप में बैठे हैं, पर यहाँ इसलिए हैं क्योंकि एक पुरुष और एक महिला का मिलन हुआ था। आपके माता और पिता दोनों आपके अंदर मौजूद हैं। आपका एक महिला या पुरुष होना सिर्फ एक ऊपरी चीज है, पर आपने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और आप कितने सर्कस से गुजरते हैं। बस पुरुष या महिला होना दुनिया में कितना सर्कस है। रोशनी और अंधेरे को भूल जाइए, वो ज्यादा पेचीदा है। लिंग सबसे आसान चीज है, लेकिन कितना संघर्ष है, समाज में कितना भ्रम है, इस गलत फहमी के बारे में कितने धर्म और शास्त्र लिखे जा रहे हैं लगातार। बात सिर्फ ये है, आप सोचते हैं कि प्रकाश और अंधेरे के बीच दो अलग अलग दुनिया हैं, क्योंकि ऐसा ही दिखाई देता है। दिन में दुनिया एक तरह की लगती है, दुनिया दिन में अलग दिखती है, रात के दौरान दुनिया बिल्कुल अलग दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया एक ही है। मुझे लगता है कि आप इस चीज को कुछ हद तक संध्या काल में अनुभव करते हैं, इसलिए सूरज निकलने से पहले उठना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको कुछ भी करना नहीं है। अगर आप सिर्फ सतर्क रहकर देखते हैं तो धीरे धीरे आपका बोध बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमेशा योग में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि तब संध्या शुरू होती है। संध्या काल में अगर आप जागे रहें तो आप अनुभव करेंगे कि इंद्रियों के गलत बोध के कारण आपके मन ने चीजों में फर्क किया है। ये बात आपके अंदर समा जाएगी। ऐसा कब होता है? कब? जब पुरुष स्त्री हो, पक्षी फूल हो, लाल नीला हो, जीवन मृत्यु, संध्या काल। ये कविता आपने कब लिखी? कब? मुझे लगता है 2019 में, जब मैं अमेरिका में था। हमारा IIIS ईशा इंस्टीट्यूट ऑफ इनर साइंसेस एक शानदार जगह है प्रकृति के लिहाज से। हमें अभी वो जगह बनानी है, कुछ बन गई है, बहुत कुछ बनानी है, पर प्रकृति के लिहाज से वो वाकई एक शानदार जगह है। और जहां मैं रहता हूं वहां से आप सूर्यास्त से बच नहीं सकते।
सूरज ठीक सामने होता है क्योंकि हम एक चोटी पर हैं और एक घाटी भी है। सूर्यास्त के समय सूर्य आपके स्तर पर होता है। ऐसा आमतौर पर समुद्र किनारे पर होता है, वहां भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, यहां सूर्यास्त के समय सूर्य आपके नीचे होता है, तो आप चाहकर भी सूर्यास्त से बिल्कुल नहीं बच सकते। तो जब मैं सूर्यास्त देख रहा था तब मैंने देखा कि कोई भी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं सूर्यास्त की शोभा की बात नहीं कर रहा हूं, सूर्यास्त में एक स्पष्ट बदलाव होता है जहां ये और वो नहीं होता, बस ये और ये होता है। पांच तरह की वृत्ति है, कुछ सुखद भी है कुछ असुखद भी है। सारे वृत्ति कष्ट देने वाली नहीं है, सारे वृत्ति सुख देने वाले भी नहीं है। सारे वृत्ति यदि दुख देने वाले होते तो सब वृत्तियों से हट जाओ बोलता कोई, ऐसा जीवन तो चल ही नहीं सकता, हो ही नहीं पाएगा ऐसा। सारे वृत्तियों से तुम हमेशा के लिए हट जाओ, नहीं। फिर सारे वृत्ति यदि सुखद है क्या उसी में रह सके, ऐसा भी नहीं है। वृत्तयः पंचतया, पांच तरह की वृत्ति है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतया। पहला प्रमाण, हम किसी भी सत्य को प्रमाण मांगते हैं। प्रमाण क्या है? ये सच है क्या? ये बात सच है तो प्रमाण क्या है? आप हमको प्रेम करते हो, प्रमाण क्या है? आप ईमानदार हो, प्रमाण क्या है? आपने पढ़ा है, प्रमाण क्या है? प्रमाण पत्र कहाँ, दिखाओ। हर चीज में प्रमाण मांगना हमारा आदत है, ताकि प्रमाण से हम समझते हैं हमारा ज्ञान सच है कि झूठा है। प्रमाण हमें इसीलिए चाहिए, हमें अपने मन पर भरोसा नहीं है, अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं है, इसीलिए प्रमाण चाहते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, तीन तरह के प्रमाण है। और प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष दिखना चाहिए, पांचों इंद्रियों के पकड़ में आए तब मैं मानूं। अनुमान, अच्छा कुछ प्रत्यक्ष दिखता नहीं मगर कुछ अनुमान तो कर सकते हैं, कहीं धुआं निकल रहा है दूर से, आग तो लगी होगी इसीलिए धुआं निकल रही है, तो ये अनुमान करते हैं ऐसा होगा, इसीलिए किसी ने कुछ छेड़ा होगा इसीलिए झगड़ा हो गया, दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो गया, तुम तो कुछ छेड़े होगे जरूर, कोई भी व्यक्ति ऐसे झगड़ा मोल नहीं लेता, कुछ तो किया होगा। ये अनुमान, पता नहीं कि इस व्यक्ति ने कुछ किया, इसके साथ किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, हम अनुमान लगाते हैं कि इन्हें कुछ छेड़ा होगा, कुछ किया होगा तभी झगड़ा हो गया। ये अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, फिर आगम। आगम माने शास्त्रों में लिखा गया, ऐसा सुना गया, ऐसा बताया गया, ऐसा नियम में है। शास्त्र माने अपने पुरातन शास्त्र मत समझना, सारे वैज्ञानिक ग्रंथ भी शास्त्र में ही गिना जाएगा। वैज्ञानिक रासायनिक ग्रंथों में लिखा गया है फास्फोरस को पानी में डालोगे तो फिर आग लगेगा, ये शास्त्र में लिखा है। रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र, भौगोलिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, ये जितने विज्ञान हैं ये सब आगम में आ जाएगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, तीन तरह के प्रमाण है। ये तीन तरह के प्रमाण से हमेशा मन जागृत अवस्था में रहता है। विपर्यय माने जो जैसा है वैसा नहीं जान करके उसको बिल्कुल गलत जाना। आपका जो लोगों के बारे में ख्याल अक्सर इस कैटेगरी में आ जाते, आप कुछ सोचते हो बाद में मोड़ के देखो वैसा नहीं निकलता, आप बैठ के सोचते रहे तो वो आदमी आपके बारे में क्या सोचता रहता है करके, वैसे वो आदमी के मन में बिल्कुल नहीं होता ख्याल। मगर आप जो सोचते हो फलाना व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, ये है विपर्यय। ऐसा होता ही नहीं, आपके मन में जो विचार है वैसा विचार दूसरे व्यक्ति के मन में नहीं है, वो आपके बारे में कुछ और ही सोच रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को आप नाप तोल करते हो, उनके बारे में अपने मन में कुछ धारणाएं बिठाते हो, ये सब विपर्यय में आ जाता है। आप मोड़ के देखोगे तो आपके सभी धारणाएं लोगों के प्रति, परिस्थिति के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, सब गलत ही सिद्ध होता है, 99% गलत सिद्ध होता है। इसको विपर्यय कहते हैं, जो जैसा है उसको वैसे नहीं जानना। और तीसरा वृत्ति है विकल्प, जो है ही नहीं उसकी कल्पना करना।
कल्पना की घोड़े दौड़ाना। एक बार किसी ने कहा, मैं तो चांद को खरीदने वाला हूँ। उसका दोस्त उसका पास जो बैठा था वो बोला, भूल जाओ, तुम नहीं खरीद सकोगे। बोला, तुम कैसे बोलोगे मैं खरीद लूंगा? बोला, मैं तो बेचने वाला ही नहीं हूँ, जब मैं बेचूंगा तब ना तू खरीदेगा। मैं तो चंद्रवंशी हूँ, मेरा दादा परदादा से हमारे पास आया चांद, मैं कैसे तुमको दे दूं? मेरा अपना है। सब अपने अपने कल्पना की घोड़े दौड़ा रहे हैं, तो उसमें सबका स्वातंत्र है। जो है नहीं उसकी कल्पना कर लेना। विपरीत ज्ञान को विपर्य बोलते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे खरगोश का सिंह, खरगोश का है कहाँ सिंह? गगन कुसुम, गगन में फूल कहाँ है? ये सिर्फ कल्पना मात्र है, ऐसा कुछ है ही नहीं। हम विकल्प में बहुत सारा समय उलझ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, भय में पड़े रहते हैं। हमारा सब का सब भय विकल्प से होता है। पैसा होने वाला है नहीं, बैठे विकल्प कर बैठते हैं। जो जैसा होना है वैसा होना है, वो तो होएगा, मैं बैठ बैठ के सोच सोच के विकल्प में उलझे रहते हैं। विकल्प ना हो, जड़ता में आ जा। निद्रा, नींद के लिए ऐसा सुपर बहुत सुंदर डेफिनेशन आज तक किसी ने दिया नहीं होगा। नींद का डेफिनेशन पता है क्या है? अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्या। अभाव को मन जब अवलंबन करने लगता है उस वृत्ति को कहते हैं निद्रा। जो कुछ नहीं है उस पर मन चला जाए जड़ता में, उसको निद्रा कहते हैं। ये एक वृत्ति है। फिर स्मृति, याद कर लेना, अनुभूत विषयों को दोबारा मन के पलट पर लेके आना स्मृति। अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति, जिन जिन चीजों को हमने अनुभव किया है उसको दोबारा याद कर लेना, मन के जो पर्दे पर लेके आना स्मृति। आपके भीतर देखिए कितनी स्मृतियां पड़ी हुई है। पिछले साल आप ऋषिकेश आए थे, उससे 10 साल पहले आप आए होंगे, 20 साल पहले आए थे, वो सब स्मृति पलट में कहीं ना कहीं हर चीज पड़ी हुई है, उसको बैठ के याद करना। अनुभूत विषयों को याद करना ही स्मृति है। जो अनुभव आपके जीवन में अभी तक आया नहीं उसकी स्मृति भी नहीं हो सकती। आत्मा का अनुभव सबको कभी ना कभी हुआ है, क्यों? आत्मा तो नई चीज नहीं है, जो आप हो वही हो आत्मा। आत्मा कोई दूसरा वस्तु नहीं आपसे हटके, आत्मानुभूति कोई नई चीज नहीं है। इसलिए जब भी आत्मानुभूति होती है, अरे भूल गया था याद आ गया। अर्जुन कहते हैं कि जब अर्जुन को दृष्टि दी गई तो अर्जुन कहता है, अरे मुझे याद आ गया, स्मृति आ गई, मैं जाग गया। तो आत्म साक्षात्कार कोई ऊपर से टपकने वाली चीज नहीं है, सिर्फ याद आ जाना ही है। ये 5 तरह की वृत्ति है। इन 5 तरह की वृत्ति में हम उलझे रहते हैं। इन वृत्तियों से निवृत्त होना योग है। ये 5 वृत्ति ज्ञाता को जानने में अवरोध बना देती है। बैठे हमेशा उन्हीं बातों को याद करते रहो, पूरा जिंदगी चले जाएगी, कुछ नया आपको नजर आएगा ही नहीं। नया फूल देखोगे तो मैंने उस दिन वही फूल देखा, वो फूल को याद करोगे, माने दृष्टि साफ नहीं होएगी, कुछ नया अनुभव नहीं होएगा, विस्मय नहीं आएगा जीवन में। जो भी करते हैं वो पुराने अनुभव के द्वारा ही देखेंगे। 3-4 घर में नौकरानी जो काम करने वाली ने चोरी कर दी, तो अब 4थी जो आई है, 5वीं जो आई, उन पर भी उसी शख्स की दृष्टि से देखो। 4 बार आप गिर गए बाइसिकल से, आप फिर 5वीं बार बाइसिकल चढ़ोगे तो भी वही, ओ कहीं गिर ना जाऊं। हमारा जीवन अनुभूत विषयों के ऊपर ही दौड़ता रहता है, तो जीवन में कोई नया चैतन्य का उदय होने का सवाल ही नहीं पड़ता। मरे मरे से जीवन जीते रहते। 20-30 साल तक जो अनुभव हुआ जीवन में, बस उसी में अटक गए। बाकी जिंदगी जो भी है वो पुराने 20-30 साल में जो अनुभव हुआ उसी को दोहराते रहते हैं, उसी के दृष्टि से देखते रहते हैं पूरा जिंदगी। कोई नया अनुभव ना जीवन में, नई जिंदगी नहीं, एक ऐसे उदासीपन छा जाता है, व्यक्ति मानसिक तनाव रोगों से पीड़ित हो जाता है। क्यों? वृत्ति में फंस गया। कौन सी वृत्ति? स्मृति में फंस गया। स्मृति ना हो तो नींद में फंस गया, तो सोते रहते, दिन भर सोते रहना, रात भर सोते रहना, तो जितना अधिक सोगे उतना और कमजोरी महसूस होने लगता। छुट्टी के दिन 10 घंटे सो जाओ तो फिर उठते ही लगता है कि उठने का मन ही नहीं करता, और 2 घंटे फिर सो जाओ, फिर उठो,
फिर लगता है कि अरे भारीपन लग रहा, फिर सो, माने नींद भी एक ऐसी वृत्ति है तुम्हें अपने आप को जानने से रोक देता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जागरण करते रहो, इनसोम्निया पेशेंट हो जाओ, अनिद्रा के बीमारी हो जाए तो आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। ये नहीं सोचोगा अनिद्रा की बीमारी आ जाए तभी मैं आत्मज्ञानी हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ये करते हैं, अपने आप को इतना टॉर्चर करके, इतना हिंसा करके जगे रहने की चेष्टा करते हैं, अभ्यास करते हैं, ये नहीं है, ये गलत है। फिर प्रमाण, हर चीज पर प्रमाण मांगते रहो, हर चीज को जो ज्ञान हमें है उसी के द्वारा देखते रहो। ये वृत्ति भी हमें सीमा में रख देता है। विपर्य तो मिथ्या ज्ञान, गलत ज्ञान से भी हमें कभी जीवन में खुशी ना मिली, ना संतोष मिला है। कभी मिला है, कभी तृप्ति मिली, आनंद मिला है गलत ज्ञान से। हम सोचते रहते हैं दूसरे व्यक्ति क्या हमारे बारे में सोच रहे होंगे, ये सोचते सोचते सोच के हम अपने आप को परेशानी में डालते रहते हैं। वाकई में जाके उनसे पूछो तो उनके पास समय ही नहीं तुम्हारे बारे में सोचने का। वो बोले तुम्हारे बारे में तो ख्याल ही नहीं आया, तुम बैठे बैठे सोच रहे, उसने मेरे बारे में क्या सोच लिया होगा, मेरे मुझे गलत ना समझ जाए। तुम्हें गलत समझने के बारे उनके पास समय कहाँ है, तुम बैठे बैठे परेशान हो गए कि दूसरे व्यक्ति तुमको गलत ना समझे। ये विपर्य, फिर विकल्प, बैठे बैठे कल्पना करते रहना जो है नहीं वास्तव से बहुत दूर। कल्पना करना जरूरी है, जब कविता लिखनी हो, कोई कहानी लिखना हो तो कल्पना करो, पर जीवन में वास्तविकता में आना।